हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे बिकॉज कल शाम को जब सपना की वीडियो आई, उसे देखने के बाद बहुत सारे लोग, मैक्स ऑफ द जो वुमेन्स हैं, जो सपना की व्यूअर्स हैं, वो रात भर चैन की नींद नहीं ले पाई। नींद तो सबको आई होगी लेकिन चैन की नींद किसी को नहीं आई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भी रात भर नहीं सोई, लेकिन रात भर ख्याल बहुत अजीब अजीब आ रहे थे। और बार बार ना, जब भी थोड़ी सी भी नींद खुल रही थी तो मैं बार बार फ़ोन चेक कर रही थी कि कोई अपडेट तो आए, कोई तो अपडेट आ जाए, कुछ कुछ गलत ना हुआ हो, कुछ ऐसा ना हुआ हो जो उन दोनों बच्चियों के लिए सही ना हो, जो सपना के लिए सही ना हो। यही सारी चीज़ें, यही सारे ख्याल बार बार दिमाग में आ रहे थे और ऐसे लग रहा था कि सपना कैसे कैसे रही होगी उस घर में इतने दिनों तक। और क्या आप सपना को उसी घर में रहना चाहिए, क्या सपना का उस घर में रहने का डिसीज़न कल के बाद, बिकॉज आज तक जब तक वो चुप थी तब तक वो सेफ थी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि उस ऑडियो में सब कुछ क्लियर हो गया था कि किस तरीके के का व्यवहार सपना के साथ किया जाता था, किस तरीके की चीज़ें उसके साथ हो रही थी। उसके बाद भी सपना ने कहा ये तो शुरुआत है, मतलब जब शुरुआत इतना भयानक था तो आगे आगे जो चीज़ें हुई होंगी वो कितनी दिल दहलाने वाली होंगी। क्या कुछ और होता होगा सपना के साथ, क्योंकि सपना अभी हमारे साथ और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली थी। सपना ने ये बोला भी था कि मैं आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी, लेकिन आज अभी तक सपना का कोई भी ब्लॉग नहीं आया, जिसके बाद लोगों में और ज़्यादा चिंता बढ़ गई कि क्या वजह है कि अभी तक सपना का कोई भी ब्लॉग नहीं आया है, कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट सपना का नहीं आया है। ना तो कोई शॉर्ट्स आई है, ना ही कोई कम्युनिटी डाली है और ना ही कोई वीडियो आई है। तो हम ये होप करते हैं कि सपना जहाँ भी हो सुरक्षित हो। अब बात हम करते हैं कुछ मुद्दों की, कुछ मुद्दे वो जिन पे कि सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल मैंने सपना के कमेंट बॉक्स में देखे और दो चार रिएक्शन चैनल्स भी हैं जिनके कमेंट सेक्शन में मैंने जिनकी वीडियोस मैंने देखी, तो उनके कमेंट सेक्शन में भी दो चार बहुत वाहियात सवाल थे। क्योंकि सहानुभूति वाले जो कमेंट्स थे ना, वो तो सब जेन्युइन लगे कि ये चलो इन लोगों को सहानुभूति है, लेकिन इस ऐसे हैवानियत को देखने के बाद भी, ऐसी भयानक चीज़ें जो सपना के साथ हुई हैं, मारपीट जैसे, मतलब गिरी हुई चीज़ें कह लो आप, वो सब होने के बाद भी अगर कोई लोग एलिगेशन लगाते हैं, कोई लोग सस्पेंस वाले क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें उनको अभी भी शक है, और शक भी किस तरीके का है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एक मैडम है जिनका ये कमेंट था, वो क्योंकि वहाँ पे ये फेक आईडी ही रही होगी, मैं ये गारंटीड नहीं कह रही हूँ कि ये फेक आईडी ही है, लेकिन ये फेक आईडी ही रही होगी क्योंकि बहुत सारे मैंने सुना है कि जो यूज़र करके आईडी होती है वो फेक होती है। वैसी ही आईडी से एक कमेंट था कि अरे वो तो इतनी बोल्ड है कि जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, मार पिटाई हो रही थी, तो भी वो रिकॉर्डिंग कर रही थी और पति के बराबर में ही वो उसको गालियां दे रही थी। जितनी गालियां सूरज दे रहा था सपना को, उतनी ही गालियां सपना भी दे रही थी सूरज को। तो ये कहाँ से कमज़ोर हुई या कहाँ से ये बेचारी हुई। तो सपना बहुत बोल्ड है और वो आगे भी अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने देगी। तो पहली चीज़ तो ये मैडम की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आगे अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने देगी और उसकी बच्चियों को और सपना को कुछ नहीं होना भी चाहिए। इसी के लिए हम सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और सपना के साथ हैं ताकि सपना को ये हिम्मत मिले कि वो आगे अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर सके, जो भी वो अपनी बच्चियों के लिए करना चाहती है कर सके। और जब इंसान को हिम्मत मिलती है ना, तो वो इस पूरे जहान की बुराइयों से लड़ सकता है, एक बार को लड़ने की सोच सकता है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ जो दूसरा आपका सवाल रहा कि उस वक्त पे भी सपना रिकॉर्डिंग कर रही थी,
तो हो सकता है सपना व्लॉग बना रही हो और उस बीच में, क्योंकि जब पहला ही सेंटेंस आया है ना, ए सुन इधर, तब से ही तो ऐसा तो है नहीं कि ये स्क्रिप्टेड था कि चलो मैं फोन उठा लेती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और तब आप बोलना कि ए सुन इधर। तो हो सकता है सपना पहले से ही व्लॉग बना रही हो या कुछ भी रिकॉर्ड कर रही हो, क्योंकि ये उसका काम था। तो हर वक्त फोन ऑन रखना, रिकॉर्डिंग करना, ये सपना का काम था। उस वक्त पे ही ये चीज़ें हुई हों और फोन ऑन करके ही ये भगवान की मर्जी थी कि ये चीज़ें सामने आनी थी, इस वजह से ये रिकॉर्डिंग हो गई। और बराबर में गालियां देना, एक मर्द जो है उसको मारने का अधिकार है और एक औरत जो पिट रही है उसे गालियां बकने का भी अधिकार नहीं है। कैसा समाज है ये और कैसी समाज की सोच है? क्योंकि ऐसी ही समाज की सोच है, इसी वजह से औरतों की ये स्थिति है। एक मर्द औरत को मार सकता है, पीट सकता है, उसे लात घूंसों से कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह उसके साथ व्यवहार कर सकता है। अभी तो लोग कुत्तों को भी पालते हैं ना, तो गोद में लेके और ऐसे ऐसे सहलाते हैं बड़े प्यार से। कुत्तों को भी लोग उस तरीके से नहीं मारते, उन्हें कुत्तों के भी मर जाने का डर होता है। अगर कभी किसी बात पे या किसी लावारिस कुत्ते को भी इंसान मारता है ना, तो उसे कुत्ते के भी मर जाने का डर होता है कि मैं मारूंगा और ये मर जाएगा तो फिर मुझे दान पुण्य और ये सोना चांदी सब जो भी करना पड़ता है, टेंटरम, वो करना पड़ेगा। इसलिए लोग कुत्तों को भी बेरहमी से नहीं मार पाते हैं। बहुत बेरहम इंसान की मैं बात कर रही हूँ, वैसे हर कोई जानवर पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन जो इंसान, एक इंसान पे जीते जागते इंसान पे जिसके पेट में बच्ची पल रही थी, चाहे उस वक्त पे तो पता भी नहीं था ना कि बच्ची थी कि बच्चा था, लड़की थी कि लड़का था, लेकिन एक गर्भवती महिला के ऊपर आप इस तरीके से लात घूसों की बरसात कर रहे थे, तब दिमाग कहाँ गया था और तब ये परिवार कहाँ गया था? तब ये सारे ही लोग जो आज सास ससुर होने का दावा कर रहे हैं और पूरे अधिकार से ये चाहते हैं कि तुम मायके नहीं जाओ, तुम इनसे मतलब ना रखो, तुम उनसे मतलब ना रखो, तब कहाँ गए थे ये सारे ही लोग? तब इनकी मानवता कहाँ गई थी? अगर उस वक्त पे ये सपना के साथ खड़े हुए होते तो अगर बेटा बहुत नालायक था तो भी बेटा वो हरकतें, वो चीज़ें, वो गलत व्यवहार, वो गंदा व्यवहार शायद से अपनी पत्नी के साथ ना कर पाता जितना गंदा और गलत व्यवहार उस लड़के ने अपनी पत्नी के साथ किया। तो कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट मिला था, परिवार का सपोर्ट था, तभी सपना के साथ इस तरीके की हरकतें होती थीं। और सपना ने कहा भी ना कि ये सब कुछ करवाते ही थे परिवार वाले, तो परिवार वाले करवाते थे। अगर हम एक बार को सपना की बातों को गलत मान भी ले तो जो अंदेशे हैं कि सपना को फिर बचाने क्यों नहीं आता था? अगर परिवार बहुत सही था, परिवार बहुत अच्छा था, तो परिवार बचाने क्यों नहीं आता था? और जिस राजवीर जी की बात हो रही है, राजवीर जी भी खैर इस दुनिया में नहीं रहे और सपना ने उनके बारे में एक भी निगेटिव बात आज तक नहीं कही। और कल की वीडियो में उसने ये कहा कि राजवीर जी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा, एक पति कैसा होता है, क्या होता है, ये सब कुछ मैंने राजवीर जी से ही जाना है। लेकिन उस वक्त पे राजवीर जी कहाँ थे? उनकी कौन सी मजबूरी थी कि वो अपने भाई को रोक नहीं पाते थे? हो सकता है वो या तो घर ना रहते हों, लेकिन सपना की उस टाइम की वीडियोस में भी हमने देखा है कि राजवीर जी साथ में ही रहते थे, तो वो क्यों नहीं अपने भाई को रोक पाते थे और क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाते थे सपना को? ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बना हुआ है कि अगर सब सास ससुर मिले हुए थे और ये बिल्कुल क्लियर है कि सास ससुर मिले हुए थे, उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता था, क्योंकि एक घर में जब बहू पीटती है ना तो उसे पीटने वाला तो उसका पति है, लेकिन बचाने वाले उस घर के बाकी सदस्य हो सकते थे, और जब वो नहीं हुए तो मतलब कि वो मिले हुए थे, उन्हें खुशी होती थी उस चीज़ में। लेकिन राजवीर जी की क्या मजबूरी थी ये शायद सपना को बताना चाहिए, लोगों के साथ क्लियर करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो उन्हें ये क्लियर करना चाहिए कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं, किस हाल में हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज जन्माष्टमी थी तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बाय।